दोस्तों, अगर आप भी IIBF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का BCBF का एग्जाम यानी कि बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ पास करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिए। मैं इसमें आपको एब्रिविएशन एंड फुल फॉर्म का क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, और ये मैं क्वेश्चन जो लाया हूँ आपके लिए इस वीडियो में, ये एग्जाम पैटर्न पे आधारित है और हूबहू एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपने सभी क्वेश्चन को एग्जाम सेंटर हॉल के बाहर आने के बाद से मैंने अपने रफ नोटबुक पे नोट कर लिया था। आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और मैं आपको यहाँ पे 10 एब्रिविएशंस एंड फुल फॉर्म का क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे बोर्ड पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये सारे एब्रिविएशंस हैं और इसका फुल फॉर्म आप बगल में देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दिया हमको पहले ही कि ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन से, और मैं यहां आपको एकदम ऑथेंटिक और सही क्वेश्चंस आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये BCBF के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए, डेट भी हमने मेंशन किया हुआ है, मेरा एग्ज़ाम 25 फरवरी 2022 को था, ठीक है। तो आपको ये जो जितने भी एब्रिविएशंस दिए गए हैं, ये सभी एब्रिविएशंस वहाँ पे पूछे गए थे एग्जामिनेशन हॉल में। मैंने इस क्वेश्चंस को हूबहू देखा था और मैंने क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को लगभग मैंने दो दो बार देख लिया था, तो मुझे क्वेश्चंस जो थे लगभग सारे क्वेश्चंस याद हो गए थे। तो यहाँ पे केवल 9 जो हैं एब्रिविएशन से क्वेश्चंस आए हुए थे, तो यहाँ पे मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब नंबरिंग तो मुझे याद नहीं है, तो मैंने सोचा कि एब्रिविएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसको एक पार्ट में करा देता हूँ। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है हमारा BCBF क्वेश्चन आंसर सीरीज का। तो इसके अगले जो भी वीडियो आएगा पार्ट 2 पार्ट 3 इसके रिगार्डिंग, तो उसमें क्वेश्चन आंसर रिलेटेड क्वेश्चन सब मैं लेकर आऊँगा वहाँ पे। इसमें सोचा कि मैंने पूरा एक एब्रिविएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उसका एक पार्ट 1 बना करके वीडियो आपको दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे कि SSA का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, सब सर्विस एरिया होता है, BPL का बिलो पॉवर्टी लाइन और APL का अपर पॉवर्टी लाइन ऐसा होता है, POS का पॉइंट ऑफ सेल्स आप जानते होंगे, जैसे कि आप कार्ड को स्वाइप करते हैं उसमें, SLBC का स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, ये बैंकर्स का जो भी है वो कमिटी होता है, और पिन, जैसे कि आपको ATM का या UPI का जो भी आप पिन डालते हैं उसका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आपको ही केवल मालूम रहता है, ATM यहाँ पे देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, और PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, और PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और KYC नो योर कस्टमर्स। तो ये क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं और ये एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, और हूबहू क्वेश्चंस ये मेरे एग्जामिनेशन हॉल में जो कि 25 फरवरी को मैंने एग्जाम अटेंड किया था उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इसके आगे भी आने वाले 2-3 पार्ट लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत से सिंपल एब्रिविएशंस एंड फुल फॉर्म के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ यहाँ पे 2-3 आपको टिपिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि SSA का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी आपको एब्रिविएशंस एंड फुल फॉर्म का क्वेश्चंस करवाया गया है आपको आने वाले BCBF के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ऑल पे, ताकि मैं जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और एक नए अन्य वीडियो में नए अन्य टॉपिक के साथ, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।